आज हम लोग आए हुए हैं छपरा के भगवान बाजार में स्थित पंच मंदिर, शिव जी के मंदिर है ये, जो कि प्राचीन काल की बनी हुई मंदिर है। काफ़ी टाइम पुरानी मंदिर है जिसकी भव्यता देखने लायक है। ये प्राचीन मंदिर बहुत ही अद्भुत है और आज इसका पुनः जीवनोद्धार हो रहा है। और इसी सिलसिले में हम आए हुए थे यहाँ पे बात करने के लिए कि आखिर क्या है, क्यों ये मंदिर ऐसे ही पुराना पड़ा हुआ है, इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है। तो यहाँ पहले सबसे पहले चल के आपको हम मंदिर दिखाते हैं। मैं हूँ बिजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं DND न्यूज़। चलिए हमारे वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि मंदिर कैसी है और क्या है इसकी भव्यता, किस तरह की कला है यहाँ पे। कलाकृति आप देख सकते हैं इसमें कि बहुत मेहनत करके इसको बनाया गया होगा, जिस टाइम बना होगा ये। जय भोलेनाथ। ये देखिए, ये अभी भी यहाँ पे शादी विवाह का भी फंक्शन होते रहता है और मंदिर अभी बंद ही है। इसको यूज़ में कमी लिया जा रहा है, लेकिन लोग आते हैं और आने के बाद यहाँ शादी विवाह, लड़की वड़की देखने उखने का प्रोग्राम यहाँ होता है, जहाँ पे कोई चार्ज वार्ज नहीं होता, निःशुल्क होता है यहाँ। और अभी तक इसका एक इतिहास है कि यहाँ कोई जब भी लड़की आई है उसको पसंद कर लिया गया है और उसकी शादी तय हो गई है, यहाँ से कोई निराश होकर नहीं गया। ये देखिए बजरंग बली हैं और इनके साथ में सारे देवी देवता यहाँ बैठे हुए थे। क्या बात है, कितनी सुंदर कला है। देखिए कितने पुराने तरीके से बनाया गया है और आज भी इसकी चमक देखिए। इससे अच्छा हो सकता है लेकिन ये कलाकारी अभी मुश्किल है। आइए भगवान भोलेनाथ के दरबार में चलते हैं, देखते हैं इनको एक बार। गौर से दिखाइए, अंदर से दिखाइए। आइए अंदर आइए और अंदर से दिखाइए कि कितना सुंदर और सुनहरा बनाया गया मंदिर को। ऊपर दिखाइए एक बार कलाकृति कैसे हुई है। अगर कैमरे में समझ में आ रही हो तो ये जो डिजाइनिंग की गई है ये पुरानी डिजाइनिंग है और अभी बहुत मुश्किल है, ऐसे डिजाइनर मिलना बहुत मुश्किल है अभी के समय में। ये जो कलाएं इसमें की गई है आप देख सकते हैं। हम अभी चलेंगे, इसके उत्तराधिकारी हैं जो लोग इस मंदिर के ओनर हैं, उनसे बात करें। और इसको देखभाल करने वाले लोग भी यहाँ हैं जिनके पूर्वजों ने यह मंदिर बनवाया था और वो उनके उत्तराधिकारी आज भी हैं। चलिए हम उनसे मिलके बात करते हैं। अभी यहाँ पे काम चल रहा है और कंटिन्यू धीरे धीरे काम हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं और करेंगे इसको। चलिए बात करते हैं इनके उत्तराधिकारी लोगों से, क्या उनका सोच है, क्या प्लान है। नमस्कार सर, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ सच तक में। क्या कहना चाहेंगे आप, हम पहले भी आपसे आके मिले थे और उस टाइम कोई काम वाम नहीं चल रहा था और अभी काम चल रहा है, आपके यहाँ पुनः जीवनोद्धार का काम चल रहा है, तो क्या अभी कितने दिन तक ये काम चलेगा या कुछ दिन चलेगा? से चल रहा है और जी, एक महीने अभी चलेगा जी, फिर ब्रेक होगा फिर चलेगा। मतलब फाइनली आप लोगों ने ये प्लान कर लिया है, प्रण कर लिया है कि जब भी हम मंदिर बनाएंगे लेकिन अपने पैसे से। यही से है शुरू से, जब से मंदिर है हम लोग खुद से इसको मेंटेन किए, अभी भी यही है कि हम लोग खुद से मेंटेन। मतलब पूर्वजों को, धरोहर को खुद संवारेंगे आप, ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों के जज्बे को सलाम, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि बहुत एक नॉर्मल फैमिली के हिसाब से रह के नॉर्मल तरीके से काम करके उसके बाद पूर्वजों के धरोहर के लिए अपनी कमाई आप उसमें लगा रहे हैं। इस सबके लिए आपको तहे दिल से सैल्यूट है, आप लोगों के इस सोच को सैल्यूट है। और भगवान करे ऐसे ही हर घर में अपने पूर्वजों की संपत्ति को संभालने वाले पुत्र और वधू हों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो लोग देखते हैं उनके मन में भी सवाल आता है कि आखिर क्यों ये। उनसे कहना है कि वो विश्वास रखें कि ये प्रोग्रेस होगा। जो लोग गलत मैसेज दे रहे हैं, कोई चुनावी मुद्दा बनाकर, कोई अलग अलग तरह से जो अफवाहें फैल रही है, तो पहले वो पता कर ले। जैसे किसी ने कह दिया अवैध कब्जा है, कुछ भी जो गलत अफवाह है, तो पहले वो लोग जानकारी ले लें कि कहाँ तक सच है, उसके बाद उस पर कुछ भी कार्रवाई करें। सही बात, हमारे वीडियो के नीचे भी खुद है, अपना है, हमारे पैतृक संपत्ति है, तो हम लोग इसको अपने स्तर से जीर्णोद्धार कर रहे हैं और करते रहेंगे। सही बात है, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था हमारे पहले वाले वीडियो पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये सवाल आप सबसे किया। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।